हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मजेदार तवा पुलाव। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मजेदार और चटाकेदार तवा पुलाव। भाजी के साथ मिलता है ना बाजार में, इसी तरीका का भाजी का तवा पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। मेरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो गया था, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैंने सर्वप्रथम पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर ऑयल गरम कर दिया है। मैंने आगे ही चावल अच्छी तरह से पका रख दिया था, तो हम डायरेक्ट वघार करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तवा तो है नहीं, तो हम बाउल में ही बनाएंगे। बड़ा वाला होता है ना, उसके अंदर बनाएंगे तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए तो इसके अंदर थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है और थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है, और फिर इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ वेजिटेबल में लिया है केबीज, गाजर, कैप्सिकम, मटर, टमाटो और फणसी। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप सब डाल सकते हो। मैं जो तो हमारे घर में वेजिटेबल सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे को भी खिलाने में आसानी होती है वेजिटेबल इस तरह से। मैं सब में ज़्यादा ही वेजिटेबल डालती हूँ। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा थोड़ा थोड़ा पक गया है। तो मैंने इसके अंदर डाला है पाव भाजी मसाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर उबले हुए आलू को मैंने इस तरह से पीसों में काट लिया है और उसको भी ऐड करेंगे। तवा पुलाव आलू के बिना अधूरा है, उसको याद रखना है आपको। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर भाजी। मैंने यहाँ पर एक बाउल जितना भाजी लिया है, पाव भाजी की भाजी होती है ना, वो ऐड कर दी है मैंने। और उसको भी मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। मैंने यहाँ पर बासमती चावल ऐड किया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आज मैं आपको एकदम सीक्रेट ट्रिक्स बताती हूँ कि चावल हमेशा हमको जब बनाना होता है उससे 2 घंटे पहले उबाल कर रख देना चाहिए ठंडा करने के लिए। हमारा चावल एकदम ठंडा हो जाएगा ना, तो वो एकदम खिले खिले हो जाएंगे और उसके चावल के दाने एकदम कट नहीं होगा और एकदम मस्त तरीके से बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है और ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। इस तरह से एकदम जल्दी और झटपट बन जाए ऐसा हमारा मस्त मजा का तवा पुलाव बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना तवा पुलाव। हमारे घर में तो ये तवा पुलाव बहुत पसंद है, वीक में एक बार। चलिए फ्रेंड, हमने मस्त मजा का तवा पुलाव की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।